हेलो डेयर फेलोज वेलकम टू द ट्रैक टू सीएसएस चैनल दिस इज उजैर बलोचादा एंड टोडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द टॉपिक इज न्यू कलोनियलिज्म आज हम न्यू कलोनियलिज्म को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में हम इस एजेंडा को इन कॉन्टेंट्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि न्यू कॉलोनीलिजम क्या है तो न्यूकलोनीलिज्म अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट और सप्टल इम्पीरियलिज्म इन विच पावरफुल कंट्रीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर वीकर स्टेट्स यानी न्यू न्यूकलोनिज्म जो है कॉन्सेप्ट है क्या वो ये है कि जो इनडायरेक्ट और सप्टल फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म है जो कि पावरफुल कंट्रीज की तरफ से और मल्टी नेशनल जो हैं की तरफ से छोटे कमजोर और गरीब मुल्कों पर मुसलत की जाती है ये ग्रेट की और सोशल में आ, उनको एक्सपोलाइट करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं तो पोलिटिकल लीडर्स जो हैं वो न्यू कॉलोनियो किस तरह वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड कुछ यूं है कि न्यू कॉलोनियलिज्म को समझने से पहले हमने कॉलोनियलिज्म को समझना है कि कॉलोनियलिज्म क्या है देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ग्लोबल नॉर्थ के पास इंडस्ट्रीज़ तो थे लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं थे रॉ मटेरियल नहीं थी तो उसने ग्लोबल साउथ से रॉ मटेरियल्स और रिसोर्स इंपोर्ट करना शुरू की तो जब वक्त के साथ यूरोपियन पावर्स को ये फ़ील होना शुरू हो गई कि क्यों ना उन स्टेट्स से जिनसे हम चीज़ें रिसोर्सेज रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं क्यों ना उन पर कंट्रोल किया जाए क्योंकि उनके पास मिलिट्री पावर आ गई थी तो उन्होंने जो स्क्रेम्बल ऑफ अफ्रीका है यानी अफ्रीकन कॉन्टीनेंट को उन्होंने कॉलोनी बनाई और जितने रिसोर्सेज थे रॉ मटेरियल्स थे उनको वो लूटा लुट, और यूरोप और वेस्ट में उनको शिफ्ट किया लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद डी की आ, स्टार्टिंग हुई बिगनिंग हुई तो डी में ये हुआ कि जितने कॉलोनीज थे वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उन्होंने उन, उनको ख़त्म किया और वो यूरोपियन पावर्स थे वो उन कॉलोनीज से उन स्टेट से निकल गए ये निकल तो गए लेकिन जो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स थे वो ख़त्म नहीं हुए तो उन्होंने उन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को अब एक नई शकल में एक नए फॉर्म में उनको गेन करना शुरू किया वो किस तरह कि वो डायरेक्ट डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे उनको कंट्रोल नहीं कर रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली वो उन स्टेट्स की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स जो, जो थे उनको उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं थी तो वो डिपेंडेंट थे वेस्टर्न पावर्स पर तो वर्ल्ड जो कोल्ड वार डनामिक्स थे वो कुछ इस तरह थे कि दुनिया uh, दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई एक वेस्टर्न ब्लॉक थी एक ईस्टर्न ब्लॉक थी यानी एक रशिया यूएसएसआर थी और दूसरी तरफ यूएसए था यूएसए था तो उनमें वो दोनों पावर्स जो है अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ, दूसरे स्टेट्स को एक्सप्लाइट कर रहे थे तो इस इस्लाइटेशन में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनस हैं वो भी अपना इन्फ्लुएंस जो है उन वीकर स्टेट्स पे एग्जर्ट करते हैं वो किस तरह जिस तरह के आईएमएफ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लेकिन वो लोन्स के ज़रिए दूसरे जो छोटे स्टेट्स हैं उनको एक्सप्लाइट करती है कि वो उस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है जिसको स्टेट्स वापस नहीं कर सकते जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट्स हैं इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि जो न्यू कलोनीलिज़म है वो न्यू कॉलोनीलिज़म उस टाइम से स्टार्ट हुई जब कॉलोनियल पावर्स वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कॉलोनी से निकल तो गई लेकिन उन्होंने वहाँ पे किसी तरह की कोई डेवलपमेंट कोई इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश नहीं की तो उनके निकलने के बाद भी वो स्टेट्स जो है अपनी रॉ मटेरियल्स को रिसोर्स को वो उनको एक्सपोर्ट करते थे वेस्टर्न पावर्स को तो इससे क्या हुआ कि जो ट्रेड इम्बेलेंस थी वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ से वो स्टार्ट हो गई तो इकोनॉमिक डोमिनेंस न्यू कॉलोनियलिज्म की एक स्ट्रांग और एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरह के जो कॉरपोरेशनस हैं जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन हैं ग्रेट पावर्स की वो जो हैं एग्जर्ट इन्फ्लुएंस करते हैं करते हैं कंट्रोल करते हैं रिसोर्स को और मार्किट्स को जो कि और इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं वो वीकर स्टेट्स पे एग्ज़र्ट करते हैं यानी इकनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरह के हैं कि उससे छोटे स्टेट्स की एक्सप्लाइटेशन होती है वो किस तरह कि जब ये किसी तरह कहीं पे आ, कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रही हों कोई रिसोर्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रही हों तो उसके अंदर वो जो एडवांटेज है वो फ़ायदा है वो ग्रेट पावर्स को ज़्यादा है छोटे पावर्स को कम है बल्कि वो रिसोर्स वो इतनी ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं दे रहा होता तो इससे हमें ग्लोबल साउथ यानी ग्लोबल और ग्लोबल नॉर्थ जो है यानी वेस्ट और ईस्ट के अंदर हमें जो इकनॉमिक डिस्पेरिटी नज़र आती है वो इसी वजह से है कि ग्रेट पावर्स यानी इकनॉमिक पावर्स जो हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और कॉरपोरेशन के ज़रिए जो अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करते हैं एक्सप्लाइटेशन करते हैं वो इस डिस्पेरिटी को हवा देती है यहाँ पे जो तेरीज़ हैं वर्ल्ड सिस्टम तेरी और डिपेंडेंसी तेरी दोनों ये कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम तेरी बेसिकली ये कहती है कि दुनिया जो है तीन जगह पे यानी तीन क्लासेस तीन कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है इसमें जो है कोर स्टेट्स हैं पेरीफेरीज और सेमी पेरीफेरीज स्टेट्स हैं कोर स्टेट्स वो हैं जिनके पास इंडस्ट्रीज़ हैं और पेरीफेरीज वो स्टेट्स हैं जो कि अपनी रिसोर्स को रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते हैं और जो ग्रेट पावर्स हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड पावर्स हैं उनसे वो जो फिनिश गुड्स हैं वो महंगे दामों में बड़ी कीमतों में वो वापस लेते हैं और डिपेंडेंसी थी ये कहती है कि जो डिपेंडेंसी है यानी जो इंटर डिपेंडेंस है बल्कि जो डिपेंडेंस है छोटे स्टेट्स की आ, बड़े स्टेट्स पावरफुल स्टेट्स पे वो डिपेंडेंसी ऐसी बरकरार रहेगी क्योंकि जो लोन्स हैं जो आईएमएफ देती है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देते हैं वो उस इंटरेस्ट रेट पर देते हैं जिसको वो अदा नहीं कर सकते जो तो जो ये डिपेंडेंसी है वो ऐसे ही मेनटेन रहेगी यहाँ पर जो इकनॉमिक एक्सप्लाइटेशन है इसकी एक एग्ज़म्पल हमें नाइजीरिया में नज़र आती है कि जो नाइजीरियन ऑयल एक्सट्रैक्शन है वहाँ से यूरोपियन ऑयल कंपनीज ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा जो है उसका नाइजीरिया को नहीं मिल रहा है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखें उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें वहाँ से नहीं लगता कि नाइजीरिया के पास ऑयल है बल्कि उस ऑयल का जो फ़ायदा है वो सब का सब यूरोपियन ऑयल कंपनीज को मिल रहा है इससे उनको सिर्फ ये होता है कि वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं नाम नाइजीरिया का है सिर्फ नाइजीरिया यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है इसके अलावा और भी बहुत से ज़्यादा स्टेट्स हैं जहाँ पे वो रिसोर्सेज़ को एक्सप्लाइड करते हैं निकालते हैं लेकिन उसका फ़ायदा वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उसके सिटीजन्स को नहीं मिलता लेकिन इसकी जो इन्वामेंटल डिग्रेडेशन है क्लाइमेट uh, चेंज है वो हमें इन स्टेट्स की नज़र आती है ग्रेट पावर्स जो हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और जो क्लाइमेट चेंज में उनकी कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो इन स्टेट्स को फेस करना पड़ रहा है यहां पे जो है पानी की कमी है यहां पे जो है जंगलात की कटाई की वजह से और कहीं ऐसे रीजन हैं जहां पे क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट्स को ये छोटे स्टेट्स यानी अफ्रीकन स्टेट्स एशियन स्टेट्स इसको फेस कर रहे हैं तो ये जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है न्यू न्यूकलोनिज्म की वो ये है कि अब यहाँ पे जो रजीम चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू कलोनियलिस्ट का है वो इस ऐसा है कि जो इकनॉमिक इंटरेस्ट जिस स्टेट में जो रिसोर्स वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सप्लाइड कर रहे हैं अगर वो गवर्नमेंट जब तक उनके हाँ में हाँ मिलाती है जब तक उनको सपोर्ट करती है तो वो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं लेकिन जब कभी किसी मुल्क में अगर एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो रिफॉर्म्स की बात करती हो जो कि ये कहती हो कि हमें अपने सिटीजन्स के लिए स्टेट की डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो वो उसकी रजीम को चेंज करते हैं क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है और उसकी जगह वो ऐसी फ्रेंडली रजीम इस्टबलिश करते हैं जो कि उनकी ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स को उनकी जो है जिस चीज़ को वो चाहते हैं इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको फिलफिल -फिल करें उनको वो इस्टेबलिश करते हैं और इसी तरह वो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो नज़र तो यूँ आती हैं कि उनका सियासत से आ, कोई लेने देना नहीं है लेकिन हकीकत में वो जो हैं ग्रेट पावर्स की यानी न्यू कलोनीलिस्ट्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं उनके लिए काम कर रहे होते हैं तो जब वो इन इकोनॉमिक और रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल कायम रखते हैं तो उससे यानी जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रिसोर्स है वो जो है अनफेयर होता है उससे कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से पॉलिटिकल स्टेबलिटी आ जाती है आप देखें कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है और कल्चरल हैजामनी जो है यानी न्यू कलोनियलिस पावर अपनी कल्चर की हजमनी भी दुनिया भर में चाहते हैं वो उनकी ड्रेसिंग हो उनकी म्यूज़िक हो और उनकी फूड जो है जहाँ पर उन्होंने न्यू कॉलोनीज़ बनाए हैं उनके अंदर वो अपनी कल्चर हजामनी को भी मेंटेन रखते हैं उनकी प्रैक्टिसेस वैल्यूज़ नॉर्म्स वीक स्टेट्स में उनको एग्जर्ट करते हैं उनकी मीडिया भी उनकी एजुकेशन भी और जितनी भी दूसरे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसी तरह एजुकेशन में हम देखें कि जिस आ, जिस इंस्टीट्यूशन में लोग एजुकेशन अगर इंग्लिश यानी एजुकेशन में अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो एजुकेटेड समझे जाते हैं और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रेड रिलेशंस हैं यानी ट्रेड रिलेशंस में ये होता है कि जो इम्बेलेंस ऑफ ट्रेड है वो अन ट्रेड रिलेशंस के जहाँ पे जो इस्ट्रागर नेशंस हैं वो अपनी जो है एक अपनी फ्लुएंस को अपनी कंट्रोल को इस तरह बढ़ाते हैं कि जो वैल्यूबल रिसोर्स हैं छोटे स्टेट्स की उनको लोअर प्राइस पे वो परचेज़ करते हैं वो लेते हैं क्योंकि वो रॉ मटेरियल होते हैं तो रॉ मटेरियल को वो कम कीमत में लेते हैं और फिर जब उसको फिनिश गुड बनाते हैं तो उसको उसी चीज़ को वो डबल कीमत में उन्हीं को बेचते हैं तो इससे जो जो ये जो कंट्रीब्यूशन है इसकी न्यू कॉलोनियलिज्म की वो और भी जो है इन छोटे स्टेट्स में बढ़ जाती है तो आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि न्यू कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म की एक नई शक्ल है जिसमें ग्रेट पावर्स जो बड़े पावर और ताकतवर स्टेट्स जो हैं वो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल हजामनी को छोटे स्टेट्स पे एग्जर्ट करते हैं और उनकी इकोनॉमिक रिसोर्स को पॉलिटिकल रिजीम्स को और सोशल और कल्चरल जो है एस्पेक्ट्स हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको इनडायरेक्टली वो रूल कर रहे होते हैं जिससे छोटे स्टेट्स के अंदर पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी इकनॉमिक डिस्पेरिटी और सोशल जो है आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाती है तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी अगर ये इन्फॉर्मेटिव थी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर किए बहुत शुक्रिया मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा